विशेष धन्यवाद थैंक्स टू गॉड। इसके बाद में सोचता था कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को माफ किए हैं। I was thinking about this fact that the Lord has forgiven us of all our sins. परमेश्वर का एक मत्ती 5 में पढ़ेगा। But we read over Matthew 5. उस पाठ में कितने यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा था। In that part, the Lord Jesus is teaching his disciples how to pray. और उसके अंदर उस बात उस इस तरह प्रार्थना है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। And there is this part where it says that just as I have forgiven you your sins, उसी तरह, in the same way, तुम अपने दुश्मन को या अपने दुश्मन को उसी तरह क्षमा करो। You forgive those who have harmed. जो इस वचन के बारे में सोच रहा था मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस वर्स कुछ दिन पहले सम डेज बैक मैं दादर में गया था आई वाज एट दादर उस सवेरे के टाइम गया था कुछ भाजी लेने के लिए ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम आई गॉन देयर टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स उस मैं वेजिटेबल खरीदने के बाद एक दुकान पे गया आफ्टर दैट आई वेंट टू अनदर शॉप और उस कैरी बैग लेने के लिए टू बाय अ कैरी बैग और उस टाइम पे कुछ अलग अलग रेट का कुछ कैरी बैग था एंड वी हैड डिफरेंट कैरी बैग्स देयर हैविंग डिफरेंट रेट्स और 5 रुपीस 10 रुपीस ऐसे कुछ था एंड द रेट्स वर लाइक 5 रुपीस 10 रुपीस एंड सो ऑन तो मेरे को जो 10 रुपीस का था मेरे को लगा 5 रुपीस है एंड द वन दैट कॉस्टेड 10 रुपीस आई थॉट इट कॉस्टेड 5 रुपीस और मैंने उसको 5 रुपीस दिया एंड आई गिव हिम 5 रुपीस और वो मेरे पे एकदम भड़क गया एंड ही गॉट रियली एंग्री एट मी मुझे देखो समझता नहीं देखो ये से डोंट यू अंडरस्टैंड ये भी तो मैं हो गया ये बोला अंकल पता नहीं आपने जो बोला मैं शायद नहीं समझा एंड आई गॉट अ लिटिल शॉक एंड आई सेड अंकल आई एम सॉरी आई प्रॉब्ली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टोल्ड मी तो फिर मुझे खेती लेके निकल गया एंड देन आई टुक दैट बैग एंड आई वेंट दैट फ्रॉम देयर मैं परमेश्वर को पूछा देन आई आस्क्ड द लॉर्ड कि परमेश्वर ऐसे क्यों है कि हम लोगों से अच्छा ट्रीट करते हैं Then why is it so, Lord, that when we treat people so well, they still do not respond by treating us well? और कितना मुश्किल है उस व्यक्ति को भी माफ करने के लिए। And so difficult it is at that time for us to forgive that person. क्योंकि हम ऑफिस में या अपने घर में सभी के सामने इंसल्ट करते हैं। Sometimes in our office or at our home, if someone insults us, किस तरह फील होता है? We feel so bad. और यीशु मसीह ने बोला कि The Lord Jesus tells us that you have to forgive them. Because if you do not forgive them, then the Lord Jesus will not forgive you. I want to share this verse. In John 15, verse 12. Matthew chapter 6, verse 12. 12 to 14. 12 to 14. 12 to 14. 14 to 14. 14 to 14. परमेश्वर क्षमा किया उसी तरह तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो सो सडनली जस्ट एज़ द लॉर्ड हैज़ फॉरगिवन यू योर सिंस योर मिस्टेक्स यू आल्सो फॉरगिव द सिंस एंड मिस्टेक्स ऑफ अदर्स और यीशु मसीह ने मत्ती चैप्टर 18 में काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इसके बारे में एंड द लॉर्ड जीसस एक्सप्लेन द सेम थिंग क्वाइट वेल इन द बुक इन द चैप्टर 18 बुक ऑफ मैथ्यू और उसमें इस तरह बताया गया है एंड इट्स रिटन लाइक दिस ओवर देयर कि एक व्यक्ति दैट पर्सन कुछ कुछ अमाउंट कुछ कर्जा उसपे लेता है एक राजा से राजा से दैट ही ओवर अ सर्टेन अमाउंट टू अ पर्टिकुलर किंग हो सकता है कुछ लाख रुपए कुड बी अ फ्यू लाख्स ऑफ रुपीस और जब राजा उसको पकड़ते कि जो भी तूने पैसा दिया वो वापस रिटर्न कर एंड द किंग कैचेस हिम एंड टेल्स हिम दैट यू हैव टू रिटर्न व्हाटएवर मनी यू टेकन फ्रॉम मी और हम देखते हैं कि वो उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वापस वो रिपे करे एंड वी सी दैट ही डस नॉट हैव द कैपेसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू रिटर्न दैट मनी और ये वंडरफुल टीचर है एंड वी सी अ वंडरफुल एग्जांपल है कि हमारा खुद का भी कितना सारा गुनाह किया है परमेश्वर का हाथ में जो बस है तो उसको सजा देने के योग्य है ऑफ आवर ओन लाइव्स दैट वी हैव सिंड सो मच अगेंस्ट गॉड दैट इफ गॉड वर टू होल्ड अस अकाउंटेबल वी आर वर्दी टू बी पनिश्ड और उसने क्या क्या पता है एंड यू नो व्हाट ही डिड उसने उसने घुटना टेका उसे प्लीज मुझे माफ कर ही नेल्ड डाउन एंड ही बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस और राजा ने उसको छोड़ दिया एंड द किंग फॉरगिव हिम उसे माफ कर दिया एंड लेट हिम गो और आगे मेन आगे स्टोरी चल आगे क्या वो व्यक्ति क्या करता है बट व्हाट डू वी सी दैट पर्सन हु गॉट फॉरगिवन डू उस व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति
उससे पैसा लिया रहता है दैट पर्सन हैड गिवन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू समवन एल्स वो राजा से लाख रुपए लेता है उसे दे दिया कभी 10000 लिया रहेगा ही हैड बोरोड अ फ्यू लाख रुपीस फ्रॉम द किंग एंड ही मे हैव लेंट आउट अ फ्यू थाउजेंड रुपीस टू समवन एल्स बट वो व्यक्ति जब उसको रास्ते में मिलता है बट व्हेन दैट पर्सन हु हैड बोरोड फ्रॉम हिम मीट्स हिम ऑन द रोड उसका कॉलर पकड़ता है सो दिस पर्सन ग्रैब्स दैट पर्सन बाय द कॉलर मेरा पैसा रिटर्न कर एंड डिमांड्स दैट यू पे मी बैक एवरी सेंट दैट आई हैव गिवन यू और ले ले पा उन गुटा देखकर मुझे माफ कर दे सो इवन दैट पर्सन नील्स डाउन एंड बेग्स फॉर फॉरगिवनेस और वो क्या करता है माफ नहीं करता उसको बट दिस पर्सन डस नॉट फॉरगिव और इस गुटा के वो इस जेल में डाल देता है एंड ही हैंड्स हिम ओवर टू द जेलर्स टू बी पुट इन प्रिजन और उसके साथ एक व्यक्ति रहते हैं जो राजा को एक रिपोर्ट देते हैं राजा तुमने उस व्यक्ति को माफ किया जो तुमको 1 लाख रुपए दिया था सो देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज वाचिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड ही गोस एंड रिपोर्ट्स ऑल ऑफ दिस टू द किंग एंड टेल्स हिम दैट हाउ ही हैव फॉरगिवन दैट पर्सन ऑफ सो मेनी लाख्स ऑफ रुपीस But he did not forgive the other person of a few thousand rupees. So then the king summoned the other person. That I had forgiven you even though you had borrowed so much more money from me but you did not forgive the other person. उसको भी जेल में डाल देता है एंड वी सी हाउ इट्स रिटन इन द बाइबल दैट द किंग हैंड्स हिम ओवर टू द टॉर्चरर्स यू नो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को सब माफ कर दिया है यू नो वी मे बिलीव विद ऑल आवर हार्ट दैट द लॉर्ड हैज फॉरगिवन अस ऑफ ईच एंड एवरी सिन ये 100% सच है इट इज 100% ट्रू बट ये एक्चुअली एक साइड सच है बट इट्स जस्ट वन साइड ऑफ द ट्रूथ जैसे कि नोट को लेंगे एक साइड प्रिंट रहेगा दुकान पे जाएंगे तो अगर पीछे साइड देखेगा तो वो बोलेगा ये नोट नहीं चलेगा जस्ट लाइक इफ यू गिव अ करेंसी नोट व्हिच इज ओनली प्रिंटेड ऑन वन साइड इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनीवेयर तो जैक मैं सेलो सुंदर देखा आज लिसन टू सेवन ब्रदर जैक वंस अगर तुम एक व्यक्ति को भी अगर स्थिति पर माफ नहीं किया रहेगा And he said that if you do not forgive even one person in this world, so जो एक व्यक्ति, just one person, तुम परमेश्वर के मतलब परमेश्वर जब आने वाला उसके लिए तैयार नहीं हो देन यू आर नॉट रेडी टू मीट द लॉर्ड व्हेन ही कम्स यू नो पूरे ऐसे हम माफ कर सकते हैं दूसरे को मेनी अ टाइम्स वी कैन जस्ट फॉरगिव देम और बाइबल में लिखा है मत्ती चैप्टर 18 उस वचन में पढ़ना चाहता हूं एंड आई वांट टू रीड दिस वर्स रिटन इन मैथ्यू 18 मत्ती चैप्टर 18 मत्ती 18 उसका 35 35 वर्स 35 इसी प्रकार यदि कुछ में से अरे अपने भाइयों को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें तुमसे वैसे ही करेगा 35 35 बोला इसी प्रकार यदि तुम में से हरे अपने भाई को क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसे ही करेगा ओके पे काफी अच्छा लिखा है फ्रॉम योर हार्ट यहां पे लिखे कि दिल से So shall my heavenly Father also do to you if each one of you do not forgive his brother from your heart. So the emphasis here is on your heart, from your heart. हम ऊपर से तो सब मतलब आप कैसे कुछ करेंगे ठीक है मेरे को उसने गाली दिया ओके छोड़ देगा वी मे फॉरगिव इन अ वेरी सुपरफिशियल वे से यू नो कि दिस पर्सन अब्यूज मी आई जस्ट फॉरगिव क्योंकि इस तरह मैं जब गुजर रहा था एंड आई वाज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस बहुत मुश्किल था कि मेरे को उनको माफ करने के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम टू फॉरगिव दोस सिंगल ऊपर से माफ करना बहुत आसान है जस्ट टू फॉरगिव सुपरफिशियली इज वेरी इजी बट अंदर से माफ करना बाइबल में लिखा है कि फ्रॉम योर हार्ट मतलब हृदय से उनको माफ करना चाहिए बट द बाइबल सेज दैट यू हैव टू फॉरगिव फ्रॉम द हार्ट मुझे देखा कि मेरे को लगा कि मैंने दूसरे को माफ किया है एंड आई नोटिस दिस इन माय सेल्फ दैट आई वाज थिंकिंग दैट आई हैव फॉरगिवन दिस पर्सन वो व्यक्ति मेरे सामने आता था बट व्हेनेवर दैट पर्सन वुड कम इन फ्रंट ऑफ मी अंदर से भी गुस्सा आता था आई वुड गेट वेरी एंग्री ऑन द इनसाइड ऐसे सबके सामने मैंने इंसल्ट किया बिकॉज़ आई वुड रिमेंबर द फैक्ट दैट दे हैड इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन नो और एक चीज याद आता एंड यू नो व्हाट एल्स वुड हैपन जब लोग उसको और किसी के साथ कुछ होता था तो उसको अगर बोलते थे या कुछ गाली देते या कुछ समथिंग तो मैं खुश हो जाता था यार मेरी ने बुलाई थी उसकी तो बोल दिया एंड इफ सम एंड व्हाट वुड हैपन इज इफ समवन एल्स वुड अब्यूज दैट पर्सन एंड स्कोल्ड दैट पर्सन आई वुड फील वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई वुड से आई कांट डू दैट एट लीस्ट दे आर डूइंग इट मैं परमेश्वर से मतलब मैं माफ नहीं किया सो द लॉर्ड वुड टेल मी दैट यू हैव नॉट रियली फॉरगिवन दैट पर्सन मोस्ट ऑफ मी रिपेंट लॉर्ड प्लीज मुझे वो सा नेचर दे मुझे नाउ देन आई रियली रिपेंट आई सेड लॉर्ड प्लीज गिव मी दिस प्रॉपर नेचर मैं पूरे दिल से माफ कर दूं सो दैट आई एम एबल टू फॉरगिव टोटली फ्रॉम माय हार्ट प्रभु मेरा गवाह है लॉर्ड इज माय विटनेस बाय द ग्रेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर का अनुग्रह से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपने शत्रुओं को माफ कर सकता हूं दैट आई हैव बीन एबल टू फॉरगिव माय एनिमीज द स्ट्रेंथ इज नॉट माय ओन स्ट्रेंथ मेरा कोई ताकत या मेरा कोई ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है इट्स नॉट माय ओन डिसिप्लिन और ट्रेनिंग परमेश्वर का अनुग्रह से ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर का नेचर इज मुझे दिया है ओनली द नेचर ऑफ गॉड दैट इज गिवन मी परमेश्वर का धन्यवाद हो थैंक्स टू द लॉर्ड अब इस चीज को रिमाइंड करना चाहता हूं आई वांट टू रिमाइंड दिस हमेशा आप लोग को एक सारा पाप केवल भूल गया है
सारा पाप परमेश्वर शुद्ध किया है दैट द लॉर्ड जीसस फॉरगिवन अस ऑल आवर सिंस इसका मतलब ये नहीं दैट डस नॉट मीन कि हम परमेश्वर की तरफ से बच जाएंगे दैट वी विल बी स्पेयर्ड फ्रॉम हिज जजमेंट परमेश्वर हमको दूसरे आगे लिखा है कि तुम अपने शत्रु को उसी तरह माफ कर जिस तरह मैंने माफ किया है बिकॉज़ इट स्टेट्स गोइंग फॉरवर्ड दैट यू हैव टू फॉरगिव योर एनिमीज द सेम वे आई हैव फॉरगिवन यू हम ये चीज देखना चाहिए एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दिस